सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, सूरतगढ़ पहुंचे हैं और मंच पर कई मंत्री पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह पहले ही पहुंचे हुए थे, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सीएम वसुंधरा राजे सभी मंच पर पहुंचे हैं। अब इस कार्यक्रम का आगाज होगा तो सभा स्थल के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया था इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, लगातार यहां पर डेरा डाले हुए थे कई आला मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे इंतजाम का जायजा लेने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश बादल भी मंच पर पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह भी ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी यहां पर मौजूद हैं। तो किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, 3 साल तक निःशुल्क फायदा उठा सकेंगे सभी किसान और पूरे देश के उन किसानों को भी बुलाया गया है जो ज्यादा अच्छी पैदावार करते हैं, उन सभी किसानों को भी इस सभा में निमंत्रण दिया गया है शरीक होने के लिए जो काफी अच्छी पैदावार करते हैं, तो उन किसानों को भी यहां पर बुलाया गया है। वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले थे लेकिन व्यस्तता की वजह से यहां पर सभी नहीं पहुंच पाए हैं, उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं। तो पीएम भी मंच पर मौजूद हैं, सीएम वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद हैं, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी मंच पर मौजूद हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह मंच पर हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी मंच पर मौजूद हैं और चंद्रशेखर राजपुरोहित फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे साथ। चंद्रशेखर, आप प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, कितनी देर में यहां पर अब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सभा में पहुंचने के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय कृषि मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, कह सकते हैं कि तमाम बड़े लोगों का इस तरह एक जगह इकट्ठा होना और उसमें भी मुद्दा होना किसानों का, ये देश में और प्रदेश में किसानों को ये मैसेज देने की कोशिश है कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार किसानों के लिए सजग है, किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और इसी के तहत जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो लॉन्च किया जा रहा है इसके पीछे मकसद ये है कि जो, हालांकि इसमें ये भी बयान सामने आया है कि इसमें नया नहीं है लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से दूर हटते हुए अगर इसके मायने निकाले जाए यहाँ बहुत कुछ नया है। किसानों को जो कुछ सौगात मिलने वाली है, किसानों को जो उनकी जो मिट्टी का जो परीक्षण होगा और मिट्टी का परीक्षण होने के बाद जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, इस बड़े स्तर पर अगर इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होती है, इतने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को लॉन्च जब किया जाता है तो हर किसान तक ये बात पहुंचेगी, दूर दराज तक जो देश भर के जो किसान है उन तक ये बात पहुंचेगी कि सरकार एक बड़ी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में ज्यादातर जो इलाका है वो असिंचित क्षेत्र है जिसे राजस्थान की भाषा में बरानी भूमि कहा जाता है और बरानी भूमि में भी सैंपल लिए जाएंगे 2.5 हेक्टेयर यानी 2.5 हेक्टेयर में अगर एक सैंपलिंग की जाएगी तो किसान को बहुत बारीक स्तर पर मालूम चल पाएगा किसानों को कि उनकी जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है, कितनी उर्वरक जमीन है और इसमें कितनी खाद की या उर्वरकों की कितनी आवश्यकता और है। तो इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को पोषण देना है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो उससे पहले उसका डायग्नोसिस करवाया जाता है, उसका परीक्षण करवाया जाता है ताकि उसका सही इलाज किया जा सके। जी चंद्रशेखर, इसका मतलब है कि परीक्षण के बाद उर्वरा शक्ति अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उर्वरा शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी जमीन की। देखिए, किसानों के लिए अगर ये जो प्लानिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर की गई है अगर ठीक ठीक से ये इम्प्लीमेंट हो पाया तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है इस न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश भर में किसानों को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर उनकी मिट्टी का सही वैज्ञानिक परीक्षण हो जाता है
उन्हें ये चीज सही सही मालूम चल जाती है कि कितनी उर्वरकों की उन्हें आवश्यकता है, तो उनकी आधी एनर्जी जो कि अभी तक वेस्ट हो रही है, किसान बहुत मेहनत करता है हमारे देश का किसान, लेकिन उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन इस तकनीक के माध्यम से उसकी एनर्जी का सही उपयोग हो पाएगा। और ये कहा जा सकता है, साफ नजर आ रहा है, जिस बड़े स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है उससे साफ नजर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कहीं न कहीं वो जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, और जो किसान जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फायदा उनको मिलेगा। और यही वो वजह है, राजस्थान में अगर हम गंगानगर की बात करें, गंगानगर जिले की बात करें, तो यहाँ पर 13% क्षेत्र ऐसा है जो सिंचित क्षेत्र है, तो शुरुआत यहाँ से किया जाना। ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान सीमा के आसपास से लगता हुआ क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान के आसपास की जो विषम परिस्थितियां हैं वहां पर भी किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसलें बोते हैं, कई बार सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं भी होती है, बावजूद इसके किसान वहां मेहनत करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस जगह को चुनकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं वो लोग सक्रिय हैं, किसानों के हित को समझते हैं, और पूरे देश भर में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है, और सरकार ये पूरे देश भर के किसानों को मैसेज देना चाह रही है। चंद्रशेखर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि मंच पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। तो मंच पर सभी आला अधिकारी मौजूद हैं, आला मंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल कल्याण सिंह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो अब किसानों के लिए बड़ा तोहफा देने की जो योजना थी उसको अमली जामा पहनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी यहां पर मंच पर मौजूद हैं, यहां पहुंच चुके हैं। किसानों में भी काफी उत्साह है कि इस योजना से उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है, जो उर्वरा शक्ति उनके जमीनों की वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो जमीन की मिट्टी है उसका परीक्षण किया जाएगा, उस परीक्षण से ये पता चल पाएगा कि जमीन में किस चीज की कमी है और किस तरह के खाद डाले जाने की जरूरत है। तो जाहिर है जो समस्याएं होंगी उसका निदान होगा और उसके निदान होगा और उसके बाद फसल उगाई जाएगी, तो फसल की जो पैदावार है बहुत अच्छी होगी। तो किसानों के लिए ये बेहतर योजना है और किसान को भी काफी उम्मीदें हैं। तो यहाँ सीएम वसुंधरा राजे सभी का स्वागत करती हुई मंच पर, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का स्वागत किया उन्होंने फूलमालाओं के साथ और पैर भी छूती हुई नजर आई। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मंच पर मौजूद जो आला मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, खुद सीएम राजे सभी का स्वागत करते हुए मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और अब भारत सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, इस राज्य सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, आमंत्रित राज्यों के सभी सम्माननीय कृषि मंत्री जी, अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों एवं मीडिया के मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर सभी को यहाँ पर पहुँचने के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। काफी तादाद में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरे देश से उन किसानों को भी बुलाया गया है जो बहुत अच्छी पैदावार करते हैं। कृषि कर्मणा पुरस्कार से उन राज्यों और किसान भाइयों एवं बहनों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने 13-14 में सफल खाद्यान्न उत्पादन, चावल गेहूं मोटे अनाज दलहन एवं तिलहनों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। इस प्रकार के बाद अभी तक राष्ट्रपति भवन में या विज्ञान भवन में दिल्ली में दिए जाते हैं, ये पहली बार एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री गांव के अंदर आकर किसानों के बीच आकर इस प्रकार के पुरस्कार देने के लिए आए। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अभी तक तो आप कुएं के पास जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कुआं किसान के पास आया है ये बताने के लिए कि तुम जितना भी उत्पादन करोगे हम उतना ही तुमको पुरस्कृत करें। मित्रों, पोषक तत्वों के असंतुलित इस्तेमाल का कुप्रभाव जो आज हो रहा है वो सिर्फ है स्वाद हेल्थ में गिरावट कहीं नहीं हो रहा है, बल्कि उसके कारण कृषि से शुद्ध है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण भी प्रभावित होते हैं। आप सब लोग पूरी तरह प्रभावित हैं कि आपके तरफ जो नहरों में पानी आते हैं और उसके अंदर जो खारापन है उसके कारण जो खेत की स्थिति बन रही है और इसमें जो अंधाधुंध हम खादों का स्थानीय खादों का प्रयोग करते हैं, संतुलित प्रयोग करते हैं, उसके कारण प्रत्यक्ष दुष्परिणाम उत्पादन लागत में वृद्धि
और शुद्ध लाभ में कमी का हमारे सामने प्रकट हुआ है। विगत वर्षों में रक्षा वाले क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों के स्पष्ट हुआ है कि पूर्व के फसल उत्पादकता स्तर को टिकाऊ बनाए रखने के लिए किसानों को साल दर साल उर्वरकों की अधिक मात्रा का प्रयोग करना होता है। सॉयल हेल्थ के विषय में जो हमारी अज्ञानता है और समुचित उर्वरक की जानकारी के अभाव में क्रय उर्वरक नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे न केवल कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आती है बल्कि भूजल में नाइट्रेट की अधिकता तथा अन्य पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ जाती है और इसीलिए किसानों को अपने खेत की जो मिट्टी है उसका जो हेल्थ है उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। एक आम आजादी के तुरंत बाद देश के होना चाहिए, देश के अंदर होना चाहिए था, लेकिन 67 वर्ष बीत गए और देखा यह गया कि हमें यह सिखाया गया कि मिट्टी में जीवन नहीं है, जीवन को सिर्फ हमारे अंदर। हमारा ये हेल्थ खराब होता है, हमको खांसी आती है, कोई बीमारी होती है तो तुरंत हम डॉक्टरी इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं, लेकिन हमारी जो मिट्टी है जो देश की मिट्टी है और हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी भारत माता है जो हमारा पालन पोषण करती है, हमको विकसित करती है, उसके स्वास्थ्य की चिंता देश के लोगों में इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं आई। हम सब सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मिशन मोड में देश के अंदर जो 14 करोड़ किसान है, जो रोजगार है, जिनके पास जमीन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि सब किसान के पास उसका जो दुख है, जमीन है, उसको सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से ये योजना 3 वर्ष के अंदर करना है। इस 3 वर्ष में भी 3 करोड़ किसानों को देने का हमारा लक्ष्य है और 3 वर्ष के अंदर सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड मिलेगा और फिर 3 वर्ष के अंदर ही नहीं मिलेगा बल्कि हर 3 वर्ष पर उसका फिर रिन्यूअल किया जाएगा और एक प्रकार से वो महाअभियान है देश के किसानों को संपन्नता की ओर ले जाने का हमारा बहुत पहला पैमान। और फिर उसके बाद जो दूसरी आवश्यकता है कि हर खेत को पानी मिले, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार योजना बना रही है और भी कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान के हर खेत पर पानी पहुंचाने का हमारा जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके पूरा करने का जो योजना है उसका ही शुभारंभ होगा। आज के दिन हम सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और इस मंच पर भाषण के पहले विस्तार से आपको इसकी पूरी योजना बताई गई है, लेकिन देश के किसान आज इस चतुर्विध संकटों में फंसे हुए हैं। आज तक इस देश के अंदर जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में कुछ 64 रास्ते अपनाए, किसानों को तत्कालिक कुछ लाभ पहुंचे, समर्थन मूल्य, सब्सिडी, इससे तत्कालिक लाभ पहुंचते हैं, लेकिन लागत बढ़ता जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि हम किसानों के लागत को कम कराएंगे और कृषि में हम आगे बढ़े, किसानों की माली हालत अच्छा हो, हर किसान को सॉयल हेल्थ कार्ड, हर खेत पर पानी और उच्च पैदावार के बीज और रोपण सामग्री किसानों को मुहैया हो, मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था हो, इन सारी योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। लेकिन हम सब किसान हैं, हमको अच्छी तरह पता है कि कोई भी बीज जब बोते हैं तो खेती में उसी दिन फसल नहीं काटते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के खुशहाली के लिए जो बीज बोए जा रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका परिणाम दिखाई देगा और किसान की दशा सुधरेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह की गरिमा और महत्व को बढ़ाया है। साथ ही समारोह में आए हुए सभी पंजाब के सम्माननीय मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के कृषि मंत्री, जो विभिन्न राज्यों के पधारे हैं अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित किसान भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों के लिए गौरव का अवसर है कि अपने आप अपने राज्य के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। इसके अलावा भारत सरकार के अधिकारीगण तथा मीडिया कर्मी भी समारोह में उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिनों, अब
हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वे वर्ष 2013-14 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न फसल श्रेणियों के लिए 9 कृषि कर्मण पुरस्कार, 18 प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार और 5 कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम वर्ष 2013-14 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री कृषि कर्मण पुरस्कार हेतु आमंत्रित करते हैं। 10 मिलियन टन से अधिक के कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए श्रेणी प्रथम में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जाता है पंजाब को। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रकाश सिंह जी बादल और पंजाब के कृषि मंत्री श्री तोता सिंह और राज्य के अधिकारीगण आमंत्रित हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 5 करोड़ रुपए की राशि राज्य के कृषि विभाग को प्रदान की जा रही है। प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाएगा जिसमें प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार श्रेणी 1 के लिए पंजाब राज्य के सुश्री दीपाल कौर और श्री कुलविंदर सिंह को दिया गया है। कृपया पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पधारे सुश्री दीपाल कौर और श्री कुलविंदर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पश्चात 1 से 10 लाख मिलियन टन के बीच कुल वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए श्री दो में विदेशान के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया जा रहा है ओडिशा को। ओडिशा ने वर्ष 2010-11 और 2012-13 में भी यह पुरस्कार प्राप्त किया था। पंजाब के बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं और अब आई 1 से 10 लाख मिलियन टन के बीच को वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए श्री दो में विदेशान के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो दिया जा रहा है ओडिशा को। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हम ओडिशा के कृषि मंत्री श्री प्रदीप महारथी और राज्य के अधिकारीगण को आमंत्रित करते हैं। इनके पश्चात ओडिशा के प्रगतिशील किसान श्रीमती निरुपमा मोहंती और श्री निराकार भरुआ को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कृषि उत्पादन के लिए दिया जा रहा है। कृपया मंच पर पधारे प्रगतिशील किसान के सम्मान के लिए। मेघालय से श्रीमती घोटी श्यामाओं और अन्य अधिकारीगण।
मेघालय से प्रगति किसान श्रीमती दीप संगमा और शैतवान भी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं। मेघालय से प्रगतिशील किसान श्रीमती दीप संगमा और श्री शैतवान। बहुत बहुत धन्यवाद। फसल और खाद्यान्न और तेलहन जैसे चावल गेहूं दलहन मोटे अनाज और तेलहन के लिए 5 पुरस्कार रखे गए हैं। पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के कृषि विभाग को 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि मंत्री के कृषि कर्मण पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे फसल वार खाद्यान्न और तिलहन जैसे चावल गेहूं दलहन मोटे अनाज और तिलहन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए चावल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जाता है छत्तीसगढ़ को। राज्य ने वर्ष 2010-11 2012-13 में भी पुरस्कार हासिल किया था। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री द्विज मोहन अग्रवाल और राज्य के अधिकारीगण को आमंत्रित करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य से प्रगतिशील कृषक के लिए कृषि मंत्री का कृषि कर्मण पुरस्कार ग्रहण करने की आमंत्रित करेंगे श्रीमती हेम कुमारी और श्री प्रभात चंद्राकर। श्रीमती हेम कुमारी और श्री प्रभात चंद्राकर। गेहूं में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को जाता है। इससे पहले भी राज्य को वर्ष 2011-12 और 12-13 में खाद्यान्न श्रेणी 1 में पुरस्कृत किया गया है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान समारोह में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश से प्रगतिशील किसान श्रीमती रेखा सैनी और श्री मनोहर पाटीदार पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आए। श्रीमती रेखा सैनी श्री मनोहर पाटीदार मध्य प्रदेश। इनके बाद दलहन श्रेणी में वर्ष 2013-14 के लिए असम और तमिलनाडु राज्य को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। असम राज्य ने वर्ष 2010-11 में भी खाद्यान्न श्रेणी 2 में पुरस्कार प्राप्त किया है। हम असम के कृषि मंत्री मोहम्मद रफीबुल हुसैन और राज्य के अधिकारीगण को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। असम के प्रगतिशील कृषकों का पुरस्कार जा रहा है श्रीमती अमृता सरीन और श्री प्रदीप कुमार दास। श्रीमती अमृता सरीन और श्री प्रदीप कुमार दास असम से। दलहन फसल का पुरस्कार तमिलनाडु को दिया जा रहा है। तमिलनाडु के कृषि उत्पादन आयुक्त थिरु राजेश लाखानी और कृषि निदेशक थिरु एम राजेंद्रन और संयुक्त आयुक्त पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं। दलहन फसल का पुरस्कार तमिलनाडु को भी। तमिलनाडु के प्रगतिशील कृषकों का पुरस्कार श्रीमती रेखाची और श्री एस वीरामार रेडियाल को दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का, क्योंकि इनके लिए
के क्षण आप ही के साथ उत्साह के क्षण। इनके पश्चात मुझे अनाज में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए हम श्री सुभाष बटग्याल माननीय संसदीय सचिव और माननीय विधायक के साथ राज्य के अधिकारीगण को आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे अनाज में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि कर्मण पुरस्कार पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल राज्य से प्रगतिशील कृषकों का कृषि कर्मण पुरस्कार श्रीमती झरना मंडल और श्री विजय बास को क्रीड़ा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। श्रीमती झरना मंडल और श्री विजय बास को तिलहन फसल को वर्ष 2013-14 से कृषि कर्मण पुरस्कार में शामिल किया गया है और ये पुरस्कार गुजरात राज्य को दिया जा रहा है। गुजरात राज्य को तिलहन फसल के लिए वर्ष 2013-14 से कृषि पुरस्कार में शामिल किया गया है। माननीय कृषि मंत्री गुजरात श्री बाबू भाई भी गोखीरिया पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हैं। गुजरात के प्रगतिशील किसान जय श्री बेन मुलु भाई पटेल और श्री पुरुषोत्तम दास भाई भट्ट को प्राप्त हुआ है। श्री पुरुषोत्तम दास भाई भट्ट अस्वस्थ होने के कारण उनके पुत्र रमेश भाई पुरुषोत्तम भाई भट्ट पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। गुजरात राज्य के प्रगतिशील कृषकों का पुरस्कार। अब हम बढ़ते हैं प्रशंसा पुरस्कारों की ओर। ये पुरस्कार खाद्यान्न दलहन मोटे अनाज और तिलहन में उच्च उत्पादन और उत्पादकता बनाए रखने के लिए राज्य को दिया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप प्रशंसा पत्र 1 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य के कृषि विभाग को जो पूर्व में 25 लाख रुपए थी। प्रशंसा पुरस्कार खाद्यान्न श्रेणी तृतीय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को चयनित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। नागालैंड की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव कृषि निदेशक और संयुक्त कृषि निदेशक। दलहन फसल श्रेणी का प्रशंसा पुरस्कार महाराष्ट्र को। दलहन श्रेणी में कृषि कर्मण और 2012-13 में चावल श्रेणी में प्रशंसा पुरस्कार महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। महाराष्ट्र के कृषि आयुक्त श्री विकास धनकट के साथ कृषि निदेशक श्री केवी देशमुख पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर। मोटे अनाजों का प्रशंसा पुरस्कार जाता है झारखंड को। राज्य ने वर्ष 2011-12 और 12-13 में दलहन श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार हासिल किया था। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं झारखंड के प्रमुख सचिव कृषि श्री नितिन मदन कुलकर्णी और मिशन निदेशक श्री जटाशंकर चौधरी। और तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पीएम सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कृषि मंत्री समेत तमाम बड़े नेता, राजस्थान के और भी कई बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कार्यक्रम के तहत
श्रीगंगानगर पहुंचे हुए हैं, सूरतगढ़ पहुंचे हुए हैं, वहां से आज इस कार्यक्रम इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। वैसे ही ये योजना शुरू होने के पहले ही विवादों में रही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम बड़े नाम भी श्रीगंगानगर में इस वक्त मौजूद हैं। मंच पर मोदी के साथ सीएम राजे भी मौजूद हैं, मंच पर राज्यपाल कल्याण सिंह मौजूद हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह के अलावा मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मौजूद हैं। कर्मठ किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया है, जन धन फसल का पुरस्कार दिया गया, तमिलनाडु के किसानों को यह पुरस्कार दिया गया है। चावल की खेती के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, गेहूं की खेती के लिए मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, अनाज के लिए नागालैंड को प्रशस्ति पत्र मिला है और अनाज के लिए पंजाब को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, ऑयल सीड्स के लिए हरियाणा को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दाल के लिए असम को ये पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी ने कृषि कर्मण अवार्ड बांटे हैं। इस दौरान हर देश के कोने कोने से किसान इन पुरस्कारों को इन सम्मानों को लेने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राजस्थान के श्रीगंगानगर और उनका राजस्थानी पटका और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। किसानों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार भी दिए गए हैं और आप तस्वीर देख रहे हैं इस पर जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कल्याण सिंह, राज्यपाल राजस्थान के उनका स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी उनके साथ मौजूद हैं। भले ही पिछले काफी दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली दल के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी के संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी अब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिसके चलते आने वाले चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़े। खासतौर पर 2017 के पंजाब इलेक्शन में जिसके चलते एक बार फिर दोस्ती के कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा और श्रोमणि अकाली दल के बीच। खैर, मंच पर इसी दोस्ती के तहत एक बार फिर प्रगाढ़ होती दोस्ती के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल राजस्थान के श्रीगंगानगर में मंच पर मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हाथ मिलाते हुए, साथ ही साथ तमाम किसानों को पुरस्कार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम श्रीगंगानगर पहुंचे ही थे और उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं। इसको लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में, छोटे बड़े हर एक नेता में उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग पिछले 15 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी, खूब जोर शोर से बहुत तैयारियों के साथ इस कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया गया है। इसमें तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत है, लेकिन अब देखना यह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस कार्यक्रम के दौरान जनता को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो राजस्थान के खाते में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के खाते में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, क्या क्या बताते हैं। आज भी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ का कार्यक्रम शुरू किया था, हम लोगों के बीच में पूरे देश के सॉयल कार्ड का काम उन्होंने शुरू करने का काम किया है। मैं आपको प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगी कि देश का 11% भूभाग पर राजस्थान बसा है, परंतु देश के केवल 1% जल राजस्थान के अंदर मौजूद है। पेयजल की हमारी सबकी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रदेश के 40,000 गांव में से करीबन 20,000 गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड से हम लोग प्रभावित हैं और जो बढ़ते जा रहे हैं। 2/3 हिस्सा हमारे प्रदेश का ऐसा है जो डार्क जोन में पड़ गया है, पानी की इतनी जोरदार किल्लत है। इस क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी कनाल
यही वो एक सोर्स है जिसमें पीने का पानी भी आता है और जिसमें सिंचाई का पानी भी हम लोगों के बीच में आता है। ये 50 साल पुरानी नहर है और कोशिश यह होनी चाहिए कि इसकी रिपेयर के काम लगातार बनते जाएंगे तो पानी का रिसाव नहीं होगा और सही तरीके से जो पानी हमको मिलना चाहिए वो हम तक पहुंच जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको यह बताना चाहती हूं कि हमारे 5 साल के अंदर कोई काम न होने की वजह से ये नहर के अंदर जो पानी आ रहा है, क्योंकि नहर जर्जरा गई है, टूटी फूटी है, जितना पानी हमारे टेल एंड तक पहुंचना चाहिए हमारे टेल एंड के किसान को पहुंचता इसलिए नहीं है क्योंकि पानी का उसमें से रिसाव हो जाता है और रिसाव का एक अलग नुकसान हमको है क्योंकि ये जो जाता है वो जिप्सम और मट्टी के बीच में रह जाता है और लाखों, मैं समझती हूं कि एकड़ भूमि आज सेम की चपेट में, माने वाटर लॉगिंग की चपेट में अब आ गए। मैं यहां ये भी कहना चाहती हूं कि जो पानी आ रहा है, और मैं माफी चाहती हूं भाई साहब, इसे मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी के सामने कि जो पानी आता है उसमें इतनी गंदगी है और वो आपके औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित पानी, कितने साल से हम लोग इसको बताने की कोशिश कर रही हूं, मैं विश्वास करती हूं कि इसमें आप लोग कुछ करोगे कि यह प्रदूषित पानी आज राजस्थान के नहरों के अंदर आ रहा है, यह आपके औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित पानी है और इसकी वजह से कितने सारे लोगों को कैंसर हो चुका है। और यह आप भी जानते हैं बादल साहब कि जब यहां से ट्रेनें जाती हैं तो उसमें कैंसर के पीड़ित दूर दूर तक जाते हैं और यहां की ट्रेन का नाम रखा गया है कैंसर स्पेशल। ये कैंसर स्पेशल अब हमारे प्रदेश से जाने नहीं चाहिए, यही मेरा आग्रह आपसे है। आप भी हमारे मंच पर बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी ओर से भी हमारा ये फायदा हमको मिलेगा। विषम परिस्थिति, इतनी विषम परिस्थिति के बावजूद भी मैं मानती हूं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के बहुत अच्छे हमारे इस प्रदेश के अंदर संभावना है। हाँ, सूखा प्रदेश है परंतु इसको हम बहुत आगे खेती के अंदर बढ़ा सकते हैं। और मुझे कहते हुए यह गर्व है कि आपने और अटल जी ने जो एक सपना नदियों को जोड़ने का सोचा था उसको अब हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने काम उसके ऊपर चालू कर दिया है। और मैं विश्वास ये करना चाहती हूं कि आपके सहमति के साथ, आपके वर्द हस्त के माने की मदद के साथ, मैं विश्वास करती हूं कि हम राजस्थान के इस बहुत बड़े काम को अब कर सकेंगे ताकि कहीं तक हम पानी की सहूलियत लोगों तक पहुंचा सके। राजस्थान के रिवर बेसन अथॉरिटी का काम हमने शुरू कर दिया है और मैं समझती हूं कि कुछ ही दिन के अंदर ये जिस तरीके से बनाना हम चाहते हैं वो बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी आपको याद है, मैं जानती हूं कि जब आप इजराइल गए थे तो मैं भी आपके साथ गई थी, मुझे भी मौका मिला था आपके साथ जाने का। जब हम लोग साथ में गए थे तो आपने वहां मेरे को बताया था कि जैतून की खेती और खजूर की खेती जो इजराइल के अंदर इतना अच्छा हो रहा है, क्या वो राजस्थान में आप ले नहीं जा सकते हो। हमने आपकी बात को मान के उसको यहां ला के उसका प्रयोग किया और मैं आपको खुशी से यह बताना चाहती हूं कि यह हमारी कोशिश कामयाब हुई। राजस्थान जैतून उत्पादन में देश में नंबर 1 स्टेट बन चुका है और उसका तेल पहली दफा हमको मिला। इसके साथ साथ राजस्थान में कई बार लंबे अरसे से अकाल पड़ता आता है, सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के लोग इसके चपेट में आते हैं और ऐसी स्थिति में पशुधन काश्तकारों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सहारा बन गया है। आप सुनते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर किसान जब अकाल की चपेट में आ जाते हैं तो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, परंतु हमारे किसान हमारे जानवर की वजह से कभी भी इस परिस्थिति में नहीं आए, उन्होंने हिम्मत रखी, अकाल से जूझ के उसके ऊपर काबू पाया, यह हमारे जानवरों की वजह से। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूं कि वाणिज्यिक फसल की पैदावार के साथ साथ हम लोगों को इनको ध्यान में रखते हुए एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, गोदाम, कोल्ड चेन, जो शेल्फ लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट करवाना है,
ऐसे को हम लोगों को ध्यान देते हुए इस एरिया के अंदर और राजस्थान के कोने कोने में इसको पहुंचाने की कोशिश करनी है। और मेरा आग्रह आपसे आज यह है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले, इसके लिए उचित समर्थन मूल्य समय समय पर घोषित किए जाए। इस बार भी खरीफ की फसल में किसानों को ग्वार, धान, नरमा, कपास, इसका पूरा मूल्य नहीं मिला। किसान बहुत ही पीड़ा में है, यह हम जानते हैं, और इसके बारे में भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र ने बॉर्डर पे जो बनी हुई सड़कें हैं उनको राज्य सरकार को हाल ही में सौंपने की इच्छा जाहिर की है। ये रोड्स की हालत इतनी खराब है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरा इतना ही आग्रह है कि अगर इनका नवनिर्माण केंद्र के द्वारा कराया जाता है उसके बाद उनके भविष्य की देखभाल हम कर लेंगे, इनको हम संभाल लेंगे, आसानी फिर इसमें हो जाएगी। रोड अगर अच्छा हो जाता है तो किसान अपना माल आसानी से मंडी तक ले जा सकेगा, यह मैं विश्वास करती हूं। हमने ये अभी इतना बड़ा काम हुआ, चुनाव इतने सारे हो गए, तो हमने छूटते ही अपने पूरे मंत्रिमंडल और राजस्थान के अफसरों को साथ लेकर तीन संभाग का सघन दौरा किया और व्यवस्थित ढंग से जनता की समस्या को समझने की कोशिश की, उनका समाधान करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया, जो के जिसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला है। प्रदेश की जनता को व्यक्तिगत लाभ, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया जनधन का प्रोग्राम, उस जनधन के प्रोग्राम जो आपका है उसके साथ हमने अपने भामाशाह का प्रोग्राम जोड़ने का काम किया, उसके साथ आधार को भी हमने जोड़ने का काम किया, और सब जो पैसा है उसको पहचाने का काम डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर हम लोगों ने अभी 4 लाख फैमिलीज तक, क्योंकि उस कार्ड के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम भी है, पूरी फैमिलीज को पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। परिवार की मुखिया को हमने महिला माना है और 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं मैं मानती हूं कि इसके द्वारा लाभान्वित हुई। अभी अभी एक नई सोलार नीति बनी है जैसे आपने चाहा था, और काश्तकारों को विशेष रूप से हमने इसमें भागीदार बनाया है। सीधे ही सोलर प्लांट को लगाने के वालों को हमने किसी बिचौलिए को अलग छोड़ के, और हमने किसानों को यह कह दिया कि अगर आप चाहते हो तो आपकी भूमि को रूपांतरण करने के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उनके साथ MOU करके अपने आप को लाभान्वित कर सकते हो, आपको दूर और लंबा और मुसीबत से निकलने की जरूरत नहीं होगी। जो जमीन अभी तक आपकी कमाई नहीं है वो जमीन आपको अच्छा पैसा देगी। ये MOU अगर आप करना चाहते हैं तो मिलके सोलर पावर वालों के साथ आसानी से कर सकते हैं। 25,000 मेगावाट हमने सोचा था कि 5 साल के अंदर हम बनाएंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी कि 32,700 मेगावाट सोलर ऊर्जा के MOU के ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं, और 16 फरवरी को सर आपने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मानकर अवार्ड दिया, जैसे अभी दिया वैसे वहां भी आप लोगों ने हमको दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। अब बस इवैक्यूएशन कॉरिडोर्स अगर जल्दी बन जाते हैं तो इस पावर को हम जल्दी जल्दी बाहर निकाल पाएंगे और ये MOUs को जमीन पे लाने का हम कार्य कर पाएंगे, ये हमें जल्दी विश्वास है। अभी अभी हमने राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा, 398 करोड़ रुपए की लागत से 200 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की, और 18 से 35 वर्ष के जो युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण ही नहीं दिया परंतु उनको रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। इस साल हम लोगों ने करीबन 55,000 बच्चों को इस स्थिति में लाया है, अगले साल 1.5 लाख को, और उसके बाद 2.5 लाख को, उसको बढ़ाते बढ़ाते 5 साल के अंदर मैं मानती हूं कि करीबन 9 लाख तक इसके द्वारा हम बच्चों को रोजगार देने का काम कर सकेंगे। लंबे कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से जो कांग्रेस ने अभी तक हमको उलझा के रखा था उसमें से हम लोगों ने सुलझा कर और तृतीय श्रेणी अध्यापक और ANM की भर्ती की प्रक्रिया को सुलझाकर मैं मानती हूं कि बहुत ही जल्दी इनकी भर्ती का लाभ हमारे क्षेत्र में मिलेगा, यह मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं।
इनके साथ साथ जो ANM है, जो नर्स ग्रेड 2 है और पैरामेडिकल के स्टाफ है, करीबन 34,000 पद पर भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाएगी और इसका भी लाभ मैं मानती हूं कि अपने अपने प्रदेश को मिलेगा। निजी निवेश जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा और इसको ध्यान में है, करीबन 34,000 पद पर भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाएगी और इसका भी लाभ मैं मानती हूं कि अपने अपने प्रदेश को मिलेगा। निजी निवेश जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा और इसको ध्यान में रखते हुए रिसर्जेंट राजस्थान जो हमने 2007 में किया था वो उसका आयोजन नवंबर 2015 के अंदर हम करने जा रहे हैं और मेरा आपसे आग्रह है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने जब हमने आग्रह किया तो राजस्थान प्रदेश की बात को मानते हुए ये कहा कि आप जरूर उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में धारेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य की ओर से आपको आश्वस्त ये करना चाहती हूं कि आपका जो विजन है मेक इन इंडिया, इस अभियान को सफल बनाने में मेक इन राजस्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनकर आगे रहेगी। मैं मानती हूं कि ये पूरे क्षेत्र को हम लोगों को बाहर खोलने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट यहां लाने की जरूरत है और इसीलिए मेरा आपसे थोड़ा सा आग्रह है कि अगर जैसलमेर से बाड़मेर को ट्रेन से जोड़ दिया जाए जो जोधपुर बाड़मेर से जुड़ा हुआ है और अगर वहां से हम राधनपुर गुजरात तक उसको जोड़ दें, 300 किलोमीटर से ट्रेन की लंबाई अगर हो जाती है तो हम मुंद्रा पोर्ट से इस इलाके को जोड़ सकेंगे और इसका भी फायदा हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम लोगों को मिलेगा। इसके बारे में भी मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी आपके इतने कुशल नेतृत्व के अंदर हमने विधानसभा, लोकसभा, शहरी निकाय, पंचायत राज चुनाव इनमें सब में ऐतिहासिक सफलता पाई है। कांग्रेस पहले प्रचार करा करती थी कि ये तो शहर की पार्टी है ये क्या कर सकेगी, परंतु जनता ने विश्वास देके एक ऐतिहासिक जीत दिला के आप सबको बता दिया कि हमारी सब शहर की पार्टी नहीं है, गांव की पार्टी भी है और 295 प्रधानों में से 163 प्रधान हमारे जीत के गए और 33 जिला प्रमुख में से 21 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए। ये साल हमारे लिए बहुत ही कठिन गया है, ये साल पूरे चुनाव से भरा हुआ है। पहले हमारा चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, फिर ऐसे 5 चुनाव अपने सामने से निकले हैं। 400 दिन हमको मिले, इन 400 दिन में से सिर्फ 167 दिन हमको काम के मिले, जो बाकी 240 दिन थे वो सब के सब चुनाव के अंदर गए। मैं मानती हूं कि इन 167 दिन के अंदर भी हम लोगों ने मेहनत करके काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपने और जनता ने जो हम लोगों के ऊपर विश्वास दिया है उस पर हम खरे उतरेंगे। मैं सब जनता को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों ने पंचायत राज चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता की बात जब उठी, शौचालय की बात जब उठी तो उसकी अनिवार्यता को आपने स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया उसको एक ऐतिहासिक जनादेश के अंदर बदलने का काम किया। हमारा यह प्रयोग बहुत अच्छा सफल रहा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिर्फ 2 महीने के अंदर बहुत सारे शौचालय बन गए, 2 लाख तो इसी के अंदर बन गए और शैक्षणिक योग्यता की वजह से इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, विदेश से सीखे हुए होटल मैनेजमेंट वाले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये सब डिग्रीज को ले लेके नीचे से लेके ऊपर तक हमारे लोग फैल गए। मैं अब विश्वास करती हूं कि इतने सब पढ़े लिखे लोग जब लग जाएंगे जनता की सेवा में तो फायदा जनता को जरूर देखने में आएगा। और हमने आपने हमको ये निर्देश दिए थे कि सत्ता को सुख के लिए नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना जाना चाहिए, इसी मंत्र को हम अपने सामने रखते हुए आगे हमारे राज्य को ले जाना चाहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य, सब लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य दोनों के बजट आना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री जी बजट में जरूर ख्याल रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान का नाम उसमें आएगा। और मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि जितनी हो सकती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जन आकांक्षाओं के रूप हम बनाकर अपने बजट को और आप तक उसको पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।
ये आप लोगों के बिना नहीं हो सकता था। जो भी हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो हमारी जनता की वजह से है। जनता नहीं, हम इसको हमने परिवार माना है। आपका स्नेह, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद ये लगातार हमको मिलता रहा है। जब भी आपके स्नेह से हम आते हैं तो हम जानते हैं कि आपने हमारे कंधे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उस जिम्मेदारी के ऊपर हम लोगों को खड़ा उतरना पड़ेगा ही, और अगर हम लोग उस पे खड़ा उतरते हैं तो ये जनता का हमारा जो साथ है वो कभी टूटेगा भी नहीं। मैं फिर से आपके सामने ये कहना चाहूंगी, मेहनत 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 इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के जो आप सोच है उसके ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, और जहां तक हम आपके हाथ को मजबूत करके आपको अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं उसमें हम कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम उसमें लगेंगे, आपका साथ दूंगे। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सबको नया राजस्थान को जो सपना हमने सबने मिलकर देखा है, उस नए राजस्थान के सपने में राजस्थान को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा अच्छा गड्ढे में से निकला हुआ एक ऊंचा ऊंचे पहुंच के वाला ऐसा राजस्थान बनाकर हम आपके पास छोड़ना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर केंद्र के नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का साथ मिल जाता है तो इसमें हम और आप मिलकर राजस्थान को चमका सकते हैं। इतना ही कहकर मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमको ये समय दिया, और मैं आप सबको बहुत सारा अपना प्यार देते हुए एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, जय जय हिंदुस्तान। बोलो जोर से, जय जय हिंदुस्तान, जय जय राजस्थान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र में लागू की जा रही सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों का अनावरण। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का शुभारंभ हो रहा है। अब आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही एक फिल्म जिसके माध्यम से हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानें कि क्या है मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व इस फिल्म के माध्यम से। सदियों से इस धरती और किसानों ने हमारे देश हमारी सभ्यता को पाला है। लगातार बढ़ती आबादी से सीमित धरती पर करोड़ों लोगों का पेट भरने का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध बढ़ गया है। इससे एक तरफ तो खेती की लागत में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ खेतों में मिट्टी अनुपजाऊ और बंजर होती जा रही है। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है, मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना। इसी दिशा में भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी पहल है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एक अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर की तरह मिट्टी के स्वास्थ्य को समझने के लिए गहन जांच की जरूरत है। ऐसी जांच से ये पता चलता है कि मिट्टी में क्या कमी है। इसमें कौन से पोषक तत्व डाले जाने चाहिए और कितनी मात्रा में। इससे ये भी पता चलता है कि आपको खेत में कौन सी फसल बोनी चाहिए। माँ खेत में बिल्कुल खारड़ सो पानी, जमीन भी खारड़ी थी, तो ये करता रिया काय पैदा कोची, माटी की जांच करवाया, जांच का अनुसार ही साहब ग्राम सेवक साहब किया जी आई जिप्सम पड़ के आऊ मैं। दो तीन साल में बढ़िया पैदावार लगी, दोनों फसल पैदावार लगी, बाजरों गेहूं।
ये बेहद जरूरी है कि आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और जांच के अनुसार सुझाए खाद व पोषक तत्वों का उपयोग कर मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कम लागत में पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी आय भी। इस मिट्टी की सेहत पर निर्भर है आपका भविष्य और देश की खुशहाली। आइए आप और हम मिलकर एक उन्नत और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। राष्ट्र में लागू की जा रही सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के लोगों का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, आप लोगों का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, सॉयल हेल्थ कार्ड के लोगों का अनावरण। मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की लॉन्चिंग की। आपको बता दें कि इस योजना के लोगों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की लॉन्चिंग की है और अब किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पीएम ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का अनावरण किया है, इसके लोगों का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। मंच पर अब जो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोगों का अनावरण किया। पीएम मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की लॉन्चिंग की और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कार्यक्रम की लॉन्चिंग के साथ साथ इसके लोगों का भी अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से किया। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोगों का अनावरण कर रहे थे, उस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने श्री निर्मल सिंह मंत्री पुत्र श्री जीत सिंह का भी स्वागत किया, एक बार फिर से स्वागत किया, क्योंकि प्रधानमंत्री इस लोगों का अनावरण जनता के लिए कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग उन किसानों के लिए कर रहे हैं जो मिट्टी की खराब हालत के चलते बेहद परेशान रहते हैं। सर बीकानेर और श्री गणपत राम पुत्र पूर्णा राम शर्मा ग्राम ढाडर चूरू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी को इंतजार है। हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने देश के विकास के बहुत से क्षेत्रों के साथ कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए इसे एक नई ऊर्जा और ऊष्मा से भर दिया है, जिनका सपना है भारत को दुनिया के सिर का ताज बनाने का, जिनका संकल्प है हर भारतवासी को खुशहाल बनाने का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से आदर के साथ निवेदन, आज के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित कराए। माननीय प्रधानमंत्री भारत गणराज्य श्रीमान नरेंद्र मोदी जी।